जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज हम लोग एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे जो बहादुरी से लड़े, भगत सिंह के बहुत करीबी साथी थे, जिन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा मिली। कई बार उन्होंने अनशन किया, जेल में तमाम यातनाएं सही और फिर काला पानी की सजा सहते हुए अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल में उनकी मौत हो गई। अनशन के दौरान उनके शव को बहुत ही विभत्स तरीके से अंग्रेजों ने फेंक दिया समुद्र में। अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। अंतिम क्षणों में किसी साथी से, अपने परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिल सके और उन्हें बाद में याद भी बहुत कम किया गया, जबकि वो महावीर थे। जी हाँ, महावीर, यानी महावीर सिंह नाम था उनका। हम लोग आज उनकी शहादत की कहानी जानेंगे। जैसा कि चर्चा हुई, लाहौर षड्यंत्र केस में कई क्रांतिकारियों को, जिनमें तीन को तो फांसी हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, इसके अलावा उनके कई अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी और फिर उन्हें सजा काटने के लिए अंडमान भेज दिया गया था, काले पानी की सजा काटने के लिए सेल्यूलर जेल में। 19 जनवरी 1933 को अंडमान भेजा गया महावीर सिंह को। इससे पहले कर्नाटक में बेलारी है, बेलारी जेल में इन्हें बंद रख करके रखा गया था। जब ये लोग अंडमान पहुंचे, सेल्यूलर जेल में पहुंचे, तो वहां देखा कि कैदियों के साथ बहुत ही गलत बर्ताव हो रहा है। उन्हें कोई भी सुविधा जो आम इंसानों को दी जानी चाहिए या राजनीतिक बंदियों को दी जानी चाहिए, वैसी कोई सुविधा नहीं, बल्कि जानवरों की तरह रखा जा रहा है। बदबूदार कमरा तमाम तरह की विपत्तियों, दुखों, कष्टों से भरा हुआ कमरा, जिसमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है खाने पीने के लिए, बासी भोजन, उसमें भी बहुत ही सड़ा गला किस्म का अनाज से बना हुआ भोजन दिया जा रहा है। मच्छर हैं, मक्खी है, तमाम तरह की गंदगी है, बीमारियां हैं और खाने पीने के लिए भी बहुत लिमिट में, बदले में बहुत अधिक काम कराया जा रहा है, रोशनी की व्यवस्था नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और क्रांतिकारियों ने तो ठान लिया था कि जेल के बाहर रहें या अंदर रहें, हम लड़ेंगे। और यही वजह है कि जब लाहौर षड्यंत्र केस चल रहा था, उस दौरान भी क्रांतिकारियों ने अपने साथ इंसानों जैसा बर्ताव किए जाने को लेकर के, उन्हें जो इंसानी जरूरतें हैं वो सुविधा, उन सुविधाओं की मांग को लेकर के अनशन किया था, जिसमें यतीन्द्रनाथ दास तब शहीद हुए थे। और यहाँ आकर के भी इन क्रांतिकारियों ने देखा कि वही हालत है। तो यहाँ और भी उस मुकदमे के क्रांतिकारी थे, दूसरे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अंडमान जेल तो है ही क्रांतिकारियों का तीर्थस्थल बना हुआ था शुरू से, तो वहाँ पर बटुकेश्वर दत्त भी थे, डॉक्टर गया प्रसाद थे, विजय कुमार सिन्हा थे। इस तरह से लाहौर षड्यंत्र केस के तो क्रांतिकारी थे ही, दूसरे भी और कई क्रांतिकारी थे। अब सब जब मुलाकात हुई सबकी, तो उन्होंने कहा कि संघर्ष तो यहाँ भी करना पड़ेगा। जो हमने ठाना है कि हमें हर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हमारी क्रांति का मकसद ही यही है कि हर तरह के अन्याय, जुल्म, शोषण के खिलाफ हमें लड़ना है। तो फिर अपने साथ यही हो रहा है, तो जब हम दूसरे के लिए लड़ सकते हैं तो अपने साथ हो रहा है, तब तो लड़ाई और भी जरूरी हो जाती है। और तय किया जाता है कि यहाँ भी हम लोग अनशन करेंगे। और ये बात बता दी जाती है पहले जेल प्रशासन को। जेल प्रशासन बहुत हल्के में लेता है, कहता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या इसमें हो सकता है, और टाल बेटाल करता है। तब क्रांतिकारी जेल अधिकारियों को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हैं कि व्यवस्था सुधारिए, नहीं तो हम लोग अनशन करेंगे। ये आमतौर पर सेल्यूलर जेल में होता नहीं था कि इस तरह से लोग अनशन करें, हड़ताल करें या प्रदर्शन करें, तो वहाँ के अधिकारियों को भी इसका कुछ खास अनुभव नहीं था। 1 महीने का समय बीता और क्रांतिकारियों ने 12 मई 1933 से अनशन करना शुरू कर दिया। 33 क्रांतिकारी कुल अनशन में पहले शामिल हुए और इनका अनशन चलने लगा।
जेल के जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जेल के जिम्मेदार लोग थे, उन सब के हाथ पांव फूलने लगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि क्या इसका अब हम करें, कैसे इसका समाधान निकालें। वो चाहते नहीं थे कि बाहर जो दुनिया है या भारत है या इंग्लैंड है, वहाँ पर उनकी किरकिरी हो, तो अपने हिसाब से वो समाधान तलाशने लगे या जितनी उनकी जानकारी थी उस हिसाब से ये करना, काम करना शुरू किया। दूसरी ओर क्रांतिकारियों की हड़ताल चल निकली। एक दिन बीता, दो दिन बीता, 12 मई, 13 मई, 14 मई, 15, 16, 17 मई यानी छठे दिन जेल प्रशासन ने तय किया कि इन सभी को जबरदस्ती नली के माध्यम से हम भोजन देंगे। अनशन के दौरान ये जेलों में किया जाता था कि जब क्रांतिकारी अनशन करते थे तो उन्हें जबरदस्ती नाक से नली लगा करके और पोषक तत्व मुख्य रूप से दूध या और भी इस तरह से लिक्विड भोजन दिया जाता था। खासतौर पर दूध का सबसे अधिक जिक्र आता है ताकि वो जीवित रहें, और उनका अनशन फिर भी क्रांतिकारियों का चलते रहता था। तो 17 मई 1933 की ये बात है सेल्यूलर जेल में कि जब क्रांतिकारियों को जबरदस्ती भोजन देना तय किया गया। याद रखिए कि हड़ताल करने के साथ ही क्रांतिकारियों को अलग अलग जगहों पर बंद किया गया था। सेल्यूलर जेल ऑक्टोपस की तरह समझ लीजिए कि बीच में एक सेंटर था और अलग अलग बांह जैसा वो फैला हुआ था, और सब में कई मंजिली वो इमारत होती थी, सभी में एक एक कैदी एक एक बैरक में एक एक वार्ड में रखे जाते थे। जो खतरनाक होते थे उन्हें ही सेलुलर में जेल में भेजा ही जाता था। सेल कह लीजिए कि पूरी तरह से जिस जो जेलों में आजकल जो जानते होंगे उन्हें पता होगा कि सेल का कॉन्सेप्ट शुरू से आता है। सेल मतलब एक कैदी के लिए स्पेशल एक कमरा होता है, उसी में उसको उसका टॉयलेट बाथरूम ये वगैरह सब होता है, खाना पीना दिया जाता है, बहुत लिमिटेड समय के लिए, कुछ समय के लिए उसे उससे बाहर निकाला जाता है और उसी में बंद रखा जाता है। तो सिर्फ सेल ही सेल थे उस जेल में, इसीलिए सेल्यूलर उसका नाम भी पड़ा था। तो क्रांतिकारियों को दूर दूर कर करके और रख दिया गया ताकि वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकें। और फिर छठवें दिन की कहानी, जेल के दो डॉक्टर, कई हट्ठे कट्ठे जो वार्डर थे या जो उनके पालतू कैदी थे, उन सबको लेकर के पहुंचते हैं। महावीर सिंह की एक आदत शुरू से थी, जब लाहौर षड्यंत्र केस चल रहा था और उस दौरान भी जब ये लोग अनशन कर रहे थे, उस दौरान ये करते थे कि जब भी डॉक्टर की टीम आने वाली होती थी या आ रही होती थी तो अपने वार्ड के दरवाजे को बंद करके और पीठ लगा करके खड़े हो जाते थे और बाहर से जबरदस्ती धक्का मुक्की कर करके दरवाजा खोल करके इनको दूध पिलाया जाता था। वो आदत छुट्टी नहीं थी, यहां भी जैसे ही डॉक्टर आने लगा उसी तरह से दरवाजा बंद करके और पीठ से पूरी ताकत लगा करके खड़ा हो गए। इधर से धक्का धमक करके काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खोला गया। लड़ाई झगड़ा उनका रोज का काम था उस अनशन में भी, कि जबरदस्ती, बहुत जबरदस्ती पूरी ताकत लगानी पड़ती थी तब ये काबू में आते थे और फिर इन्हें दूध पिलाया जाता था। यहां भी वही प्रक्रिया चलने लगी। काफ़ी मेहनत के बाद, जोर जबरदस्ती के बाद महावीर सिंह को पटक दिया गया और फिर उन्हें दूध नाक में नली डाली गई और उससे दूध डाला जाने लगा। जो गड़बड़ी हुई थी यतीन्द्रनाथ दास को लेकर के, वही गड़बड़ी हुई यहाँ महावीर सिंह को। चूंकि जेल के इन डॉक्टरों के पास अनशन से निपटने का कोई अनुभव था ही नहीं, ये पहली बार निपट रहे थे अनशनकारियों से, और वो नली जो है वो पेट में जाने के बजाय फेफड़े में चली गई। नली का फेफड़े में जाने का अनुभव महावीर सिंह को हो गया, लेकिन खामोश रहे। क्रांतिकारियों ने ये तय कर लिया था और वो ये जानते थे कि हमें अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो बलिदान देना होगा, शहीद होना होगा। इन क्रांतिकारियों के लिए शहीद होना मामूली बात थी, इनके वो जिंदगी के रास्ते में एक मंजिल की तरह थी मौत। और महावीर सिंह उसी खामोशी के साथ पड़े रहे, बिना हिले डोले, बिना विरोध किए, और दूध ऊपर से फेफड़े में डाला जाता रहा, भरता रहा, पूरा फेफड़ा दूध से भर गया। और उसके बाद वैसे ही इन्हें छोड़ करके
डॉक्टर और उनके साथ जो लोग भी थे वो चले गए। लोगों को लगा कि ये चूंकि पटक करके जबरदस्ती दिया गया है इसलिए अपनी हार मानते हुए चुपचाप पड़े हुए हैं, जबकि उनकी स्थिति बिगड़ रही थी। उनसे कुछ दूरी पर एक सेल में बंद थे डॉक्टर गया प्रसाद, जो कि लाहौर षड्यंत्र केस के ही कैदी थे। उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। द फ्रीडम पर उनके बारे में कई वीडियो उपलब्ध है, आप जरूर देखिएगा। डॉक्टर गया प्रसाद ने जब देखा कि काफी देर हो गई और कोई आवाज नहीं उधर से आ रही है, चूंकि सबके चले जाने के बाद आपस में ये लोग बात करते थे चिल्ला के ही सही, कुछ हाय हेलो मतलब हाल समाचार कैसे हो क्या हुआ ये सब बात तो करते ही होंगे, तो देखा कि महावीर सिंह के सेल से कोई आवाज नहीं आ रही है। गया प्रसाद चिल्लाते हैं जोर जोर से और आवाज देते हैं, तो उन्हें कुछ देर के बाद एक धीमी कराहट से भरी आवाज सुनाई उधर से देती है, महावीर सिंह की आवाज, गुड बाय। गया प्रसाद को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अगल बगल के कुछ और कैदी भी शोर मचाते हैं। जब शोर मचाने लगे सभी, तो वहां फिर जेल का प्रशासन, डॉक्टर वगैरह सब आते हैं, देखते हैं कि महावीर सिंह उसी तरह से पड़े हुए हैं और उनकी हालत खराब हो रही है। तुरंत उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और जेल का जो अस्पताल था उस तरफ ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में दरवाजे पर, अपने सेल के दरवाजे पर खड़े थे डॉक्टर गया प्रसाद, वो देखते हैं और उनकी तरफ महावीर सिंह भी देखते हैं। महावीर सिंह कहते हैं गुड बाय डॉक्टर, और फिर उनका स्ट्रेचर आगे बढ़ जाता है। तब तक उन्हें ले जाया गया अस्पताल में। दिन भर सभी कैदी बेचैन रहे यह जानने के लिए कि क्या हुआ उनके साथ, कुछ कहीं पता नहीं चल रहा था। शाम में जब खाना खिलाने के लिए कैदियों को बाहर निकाला गया, तो खाना खाने के बाद कई कैदियों ने तो खाना ही नहीं खाया, जो अनशन पर थे वो तो खा ही नहीं रहे थे, लेकिन निकाला सबको गया था बाहर। अंदर जाने से कैदियों ने मना कर दिया कि सेल में वापस नहीं जाएंगे जब तक कि हमें ये नहीं बताया जाता कि महावीर सिंह की हालत कैसी है और क्या हुआ है उन्हें। फिर वहाँ पर बल प्रयोग करता है जेल प्रशासन और सभी कैदियों को मारपीट करके जबरदस्ती उनके सेलों में बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर गया प्रसाद सबसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ, कोई कुछ बताए। सेल्यूलर जेल के कैदी जब महावीर सिंह को लेकर के शोर मचा रहे थे और कहीं से कोई जानकारी नहीं आ रही थी, उनके सभी साथी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ आखिर उन्हें, क्योंकि ये नहीं किसी को पता था कि हाँ फेफड़े में दूध भर गया और इस कारण से उनकी हालत खराब हुई। उन्हें लग रहा था कि मारपीट की वजह से या कोई और बात है, तो सभी जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं से कुछ पता चले कि आखिर क्या हुआ है। तो एक पहरेदार ने गया प्रसाद को कहा कि आपका एक साथी बीमार हो गया है। ये बात अब धीरे धीरे सभी लोग जान गए और महावीर सिंह के बारे में कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं था जेल प्रशासन का आदमी, तो ये अनुमान लगा लिया कि अनहोनी हो गई है। फिर कई दिनों के बाद एक पहरेदार ने गया प्रसाद को बताया कि उसी दिन जिस दिन तबीयत खराब हुई थी महावीर सिंह की, यानी 17 मई 1933 को ही महावीर सिंह की मृत्यु हो गई थी। और फिर गया प्रसाद ने पूछा उससे कि उनके शव का क्या हुआ, उनकी मृतदेह कहाँ गई, क्या किया गया, तो उसी पहरेदार ने बताया कि उनके शव में पत्थर बांध करके बड़ा सा और समुद्र में फेंक दिया गया। ये था एक भारत के महान क्रांतिकारी का बलिदान। ये आप सुन रहे थे महावीर सिंह की शहादत की कहानी। महावीर सिंह से जुड़ी ही और भी कहानियाँ हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, इसमें इतना ही। और वीडियो खत्म होने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आपकी जानकारी में जितने लोग भी क्रांतिकारियों में रुचि रखते हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताएं, अधिक से अधिक आप लोग फॉरवर्ड करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।